वेलकम बैक टू द चैनल दिशु मैन। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, जैसा मैं पहले 04646 और 04645 शालीमार एक्सप्रेस का टाइम टेबल बता चुका हूँ आप लोगों को, जैसलमेर से जम्मू और जम्मू से जैसलमेर का, तो अभी जो बाकी के 3 दिन यानी कि शालीमार 4 दिन चलेगी, बाकी के 3 दिन जो ट्रेन चलेगी जम्मू तवी दिल्ली जोधपुर बाड़मेर मालिनी एक्सप्रेस 04662 फर्स्ट रन होगा 10 फरवरी को जम्मू तवी से बाड़मेर के लिए। जम्मू तवी से इसका जो टाइम है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मालिनी एक्सप्रेस शालीमार एक्सप्रेस का जो टाइम है वो जम्मू तवी से जोधपुर और जोधपुर से जम्मू तवी तक बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम टाइमिंग और सेम स्टॉपेज है, कोई करेक्शन नहीं है। जो करेक्शन है बिटवीन जोधपुर से बाड़मेर के बीच और जोधपुर से जैसलमेर के बीच में करेक्शन है, यानी कि टाइमिंग चेंज है थोड़ी। इस वीडियो में मेन मेन स्टेशन बताऊंगा जो जम्मू तवी से दिल्ली तक पूरा और बाकी दिल्ली से बाड़मेर तक कुछ कुछ स्टेशन बताऊंगा मेन मेन। तो स्टार्ट करते हैं मालिनी एक्सप्रेस 04662 जम्मू तवी से पठानकोट लुधियाना अम्बाला सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ गाजियाबाद दिल्ली जयपुर जोधपुर होते हुए बाड़मेर तक जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रेन चलेगी जम्मू तवी से 10 को रात के 10:25 पर और टोटल डिस्टेंस होगी 1468 किलोमीटर, जिसको ये ट्रेन कवर करेगी 29 घंटे 35 मिनट में। और इसके एवरेज जो स्पीड होगी वो होगी 50, जिसमें इस ट्रेन के 56 हॉल्ट्स होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इस ट्रेन का जम्मू तवी से जोधपुर तक टाइम सेम रहेगा और जोधपुर से जम्मू तक का टाइम भी सेम रहेगा, और इस ट्रेन का कहीं भी ट्रैक रिवर्सल नहीं होना है। ट्रेन के लोगों की बात करें तो अभी कुछ पता नहीं कि किस लोकल से चली, क्योंकि जयपुर फुलेरा जंक्शन से आगे डीजल लाइन जाती है, सिंगल और डबल दोनों, तो देखते हैं कि कहाँ तक ई लोको आता है और कहाँ तक डीजल लोकोमोटिव लेके जाता है, इससे वो देखने वाली बात होगी। ट्रेन के कोच की बात करें तो ट्रेन में 22 कोच होंगे एज यूजल, शालीमार के कोच होंगे वही रैक बन के चलेगा 22 कोच के साथ में, जिसमें एसी फर्स्ट कम टू टायर के 2 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच, थर्ड एसी के 3 कोच होंगे, स्लीपर के 8 कोच होंगे, सेकंड क्लास के 5 कोच होंगे और 2 कोच होंगे SLRD के, यानी कि जो विकलांग वाले कोच होते हैं वो कोच होंगे। बाकी देखते हैं कि ट्रेन ISF से चलती है या LHB से चलती है, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। ट्रेन की स्पीड रहेगी अप टू जयपुर तक 110 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। और शुरू करते हैं, मैंने जैसे बताया कि मैं मेन मेन स्टेशन बताऊंगा। ट्रेन जम्मू तवी से चलेगी रात के 10:25 पर और जैसलमेर पहुंचेगी सुबह को 4 बजे, यानी कि तीसरे दिन 4 बजे, जिसमें ट्रेन संडे वेंसडे और फ्राइडे को जम्मू तवी से चलेगी और ट्यूसडे फ्राइडे और संडे को बाड़मेर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में कोई भी जनरल टिकट नहीं चलेगा, तो सारे के सारे कोच जो होंगे वो रिजर्व होंगे, स्लीपर के, सेकेंड क्लास के भी, SLRD कोच भी, और बाकी तो रिजर्वेशन है ही। तो ट्रेन 10:25 पर चलेगी जम्मू तवी से रात को 10 का फर्स्ट रन होगा इसका बाड़मेर के लिए। कटवा पहुंची 11:25 पर और 11:27 पर ये चल देगी वहां से। अगला स्टेशन होगा पठानकोट कैंट, जहां पर रात के 12:05 पर ये ट्रेन पहुंचेगी, 12:10 पर वहां से निकल जाएगी। मुकैरियन पहुंचेगी रात के 12:41 पर, 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद वहां से निकल जाएगी। जलंधर कैंट पहुंचेगी 2 बजे और 2:05 पर वहां से निकल जाएगी। 2:17 पर ट्रेन पहुंचेगी फगवाड़ा और 2:19 पर वहां से निकल जाएगी। लुधियाना ये ट्रेन पहुंचेगी 3:05 पर, 3:15 पर वहां से निकल जाएगी। 4 बजे ट्रेन पहुंचेगी खाना, 4:02 पर निकल जाएगी वहां से। सरहिंद पहुंचेगी 4:18 पर, 4:20 पर निकल जाएगी। राजपुरा पहुंचेगी ट्रेन 4:47 पर, 4:49 पर वहां से निकल जाएगी। अम्बाला सिटी पहुंचेगी 5:10 पर, 5:12 पर वहां से निकल जाएगी। अम्बाला कैंट पहुंचेगी 12:40-12:45 पर, 5:40 पर वहां से निकल जाएगी। जगाधरी वर्कशॉप पहुंचेगी 6:15 पर, 6:17 पर वहां से निकल जाएगी। जगाधरी पहुंचेगी 6:23 पर, 6:35 पर वहां से निकल जाएगी। उसके बाद पहुंचेगी सहारनपुर 7:05 पर, 7:15 पर वहां से निकल जाएगी। ट्रेन देवबंद पहुंचेगी 7:43 पर सुबह के, 7:45 पर वहां से निकल जाएगी। इसके बाद मुजफ्फरनगर पहुंचेगी 8:03 पर, 8:05 पर वहां से निकल जाएगी। खतौली पहुंचेगी 8:21 पर सुबह के, 8:23 पर वहां से निकल जाएगी। फिर सकौती पहुंचेगी 8:31 पर, 8:33 पर वहां से निकल जाएगी। मेरठ कैंट पहुंचेगी 8:29 पर, 8:51 पर वहां से निकल जाएगी। मेरठ सिटी पहुंचेगी 9 बजे, 9:03 पर वहां से निकल जाएगी। 9:18 पर पहुंचेगी मोदीनगर और 9:20 पर निकल जाएगी। 9:29 पर पहुंचेगी मुरादनगर, 9:31 पर वहां से निकल जाएगी। न्यू गाजियाबाद पहुंचेगी 9:43 पर, 9:40 पर वहां से निकल जाएगी। गाजियाबाद पहुंचेगी 10:01 पर, 10:03 पर वहां से निकल जाएगी सुबह के। और साहिबाबाद दिल्ली शाहदरा ना रुकते हुए इस ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी 10:45 पर, 15 मिनट के स्टॉपेज के बाद 11 बजे दिल्ली जंक्शन से निकल जाएगी। दिल्ली सराय रोहिला पहुंचेगी 11:14 पर, 11:16 पर निकल जाएगी। दिल्ली कैंट पहुंचेगी 11:33 पर, 11:35 पर वहां से निकल जाएगी। वहां से बात करते हैं मेन मेन स्टेशन। पालम होते हुए गुड़गांव पहुंचेगी 11:56 पर, 11:58 पर वहां से निकल जाएगी।
गढ़ी हरसरू पटौदी रोड खलीलपुर होकर ये ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन पहुंचेगी 1:38 पर दोपहर के और 1:40 पर वहां से निकल जाएगी। बावल खरसोली खैरथल होते हुए ये ट्रेन पहुंचेगी अलवर जंक्शन दोपहर के 2:52 पर। 2:55 पर ये ट्रेन वहां से निकल जाएगी। मालाखेड़ा राजगढ़ भासवा होते हुए ये ट्रेन पहुंचेगी बांदेव के जंक्शन 3:55 पर। 3:57 पर वहां से निकल जाएगी। दौसा गांधीनगर होते हुए ये ट्रेन पहुंचेगी जयपुर 5:45 पर शाम के और 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद 5:55 पर वहां से निकल जाएगी। फुलेरा जंक्शन पहुंचेगी शाम के 7:09 पर 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद निकल जाएगी। मकराना मरटा रोड रायका बाग पैलेस होते हुए ये ट्रेन पहुंचेगी जोधपुर जंक्शन पे 11:10 पर 11:30 पर वहां से निकल जाएगी ये ट्रेन। ट्रेन फिर बासनी लोनी जंक्शन और दंदारा स्टेशन होते हुए ट्रेन पहुंचेगी समदारी जंक्शन रात के 12:52 पर 12:57 पर ट्रेन वहां से निकल जाएगी। फिर ट्रेन बेलोतरा बायतू और उतरलाई स्टेशन होते हुए अंत में ट्रेन जाएगी बाड़मेर स्टेशन पे सुबह के 4 बजे। ट्रेन काफ़ी अजीब अजीब से स्टेशन है इस बीच में राजस्थान के, तो सुबह को 4 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी बाड़मेर स्टेशन पे। ट्रेन का कहीं पे भी रैक रिवर्सल नहीं है, जैसा मैंने बताया कि जोधपुर से ट्रेन अलग हो जाती है पूरी, 4 दिन जैसलमेर वाली चलेगी, 3 दिन ये चलेगी और जैसलमेर वाली का 2 जगह रैक रिवर्सल है, इसका कहीं भी नहीं है। तो मानी एक्सप्रेस स्पेशल का जो कि जम्मू तवी से अम्बाला सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ गाजियाबाद दिल्ली जयपुर जोधपुर होते हुए बाड़मेर जाएगी। तो आई होप गाइज यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।